Today we discuss the drive in power electronics construction and working. Last classes में हम लोगों ने SCR discuss किया है. SCR से related सारी चीजें हम लोगों ने study की है one by one. तो SCR क्या आपका था? Unidirectional device था. Unidirectional device जो है वो AC को कैसे control कर सकती है? Because AC is your bidirectional. एसी आपका क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होती है और एससीआर से उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. एक तरीके से एससीआर इज योर यूनिडायरेक्शनल स्विच. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन. एससीआर क्या है? यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है. ठीक है, नॉन लीनियर डिवाइस है, यूनिलैटरल डिवाइस है. ठीक है, लेकिन बाई डायरेक्शनल नहीं है. एसी इज योर बाई डायरेक्शनल. एसी जो होता है वो आपका क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है. कभी कभी एक क्वेश्चन ये होता है, स्विच पूछते हैं. स्विच आपके दो तरीके से होते हैं, एक एसी स्विच होता है, दूसरा डीसी स्विच होता है. सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठे साथ साथ लिखते जाए, पता है लोड करने की भी कोई व्यवस्था नहीं हुई. ठीक, तो ध्यान रखें जो जो वह बातें बताता है उसको लिखते जाए. आपका स्विच आपके क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक एसी स्विच और आपका डीसी स्विच. एसी स्विच मतलब ऐसा नहीं होता जो एसी में काम करता है वो एसी स्विच होता है, जो डीसी में काम करता है वो डीसी स्विच होता है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है. क्लास लंबी चलेगी, आराम से बैठ जाइए, धीरे धीरे क्लास होगी. ट्रैक खत्म होगा उसी समय क्लास बंद होगी, कितना भी टाइम लग जाए इसकी कोई गारंटी. सर, हाँ सर, ये क्लास जो है मतलब पिछले वाली क्लास के आगे से या फिर आप मेन मेन बता रहे हैं खाली पेपर के हिसाब से? मेन मेन नहीं बता रहे, पेपर हिसाब नहीं बता रहे हैं. हमने एससीआर आपका पढ़ा दिया था, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर पूरा हो गया था, फुल वेव हाफ वेव. उसके आगे की क्लास है ट्रैक पढ़ाएंगे फिर डैक पढ़ाएंगे. ये दो चीजें इम्पोर्टेंट है. ठीक है, और ये तीनों चीज़ों में से क्वेश्चन आपका जो यूपी एनिमल में आएगा वो आ जाएगा इतने से. ठीक है, और एक क्लास इंट्रोडक्शन के लेंगे छोटी सी, जो सारी चीज़ों के बारे में बता देंगे अगर बाय चांस उनसे रिलेटेड कोई चीज़ आ जाती है. तो मतलब आज का क्लास और दो क्लास और लेंगे हमको, यूपी एनिमल तक का ये प्लान है. मतलब इसमें पढ़ाई भी हो जाएगी आपकी, यूपी एनिमल का क्वेश्चन भी फंस जाएगा, इसलिए ये है क्लास. ठीक है, तो हम ट्रैक प्रॉपर पढ़ा रहे हैं. ट्रैक में क्या है? ट्रैक आपको पढ़ा रहे हैं पूरा. ठीक है, यूपीआई के हिसाब से नहीं, ये प्रॉपर रहेगा समझ लीजिए. तो हम बात कर रहे थे एसी स्विच और क्या बता रहे थे? डीसी स्विच. आपका एसी स्विच का ये मतलब नहीं जो एसी में काम करता है एसी स्विच है, या डीसी में काम करता है डीसी स्विच, ऐसा नहीं है. एसी स्विच का मतलब होता है जो दोनों डायरेक्शन में काम करता है, उसको हम एसी स्विच कहते हैं, क्योंकि एसी बाई डायरेक्शनल होता है. अब डीसी स्विच का मतलब वो स्विच होता है जो एक ही डायरेक्शन में काम करता है. जैसे आपसे पूछा जाए पीएन जंक्शन डायोड कैसा स्विच है, तो बोलेंगे डीसी स्विच है, बिकॉज इट इज वर्किंग इन सिंगल डायरेक्शन, फॉरवर्ड में काम करता है, रिवर्स में नहीं काम करता. ऐसे ही आपसे एससीआर पूछा जाए एससीआर कैसा स्विच है, तो आंसर होगा डीसी स्विच है, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में काम करता है फॉरवर्ड में, रिवर्स में काम नहीं करता. ऐसे ही आपसे आपसे पूछा जाए ट्रैक क्या है, तो ट्रैक क्या है आपका? ट्रैक आपका क्या है? एसी स्विच है, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में काम. ठीक है, तो ट्रैक इज योर आपका बाई. ट्रैक मतलब ट्रायोड प्लस एसी. ट्रायोड का ट्राई और एसी का एसी, तो बनता है ट्रैक. ट्रैक जो है आपका मतलब होता है ट्रायोड प्लस एसी, दैट इज ट्रैक. ट्रैक क्या है? बाईडायरेक्शनल स्विच है, तो मतलब एसी को कंट्रोल कर सकता है. अगर आपसे पूछा जाता है एसी को कंट्रोल कौन करता है, तो योर आंसर विल बी आपका ट्रैक. ट्रैक जो है बाईडायरेक्शनल स्विच है. तो चलो इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं. कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इसका वर्किंग देखते हैं, प्रॉपर ऑपरेशन देखते हैं. मतलब कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर भी ये हमको अच्छे से समझना है. ठीक है, तो चलो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट. इतना बेसिक स्ट्रक्चर आपको हमने बता दिया, अब हम लोग प्रॉपर इस पर काम करने के लिए स्टार्ट करते हैं.
आपका तो पॉइंट वाइज चीजें लिखते जाते हैं हम लोग एक एक करके, फिर आगे कंस्ट्रक्शन बारे में बात करेंगे। क्या है आपका, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्राई, टी आर आई ए सी, ट्राई, ठीक है। तो आपका क्या है, ट्राई किस थ्री टर्मिनल डिवाइस, ट्रैक जो है वो थ्री टर्मिनल डिवाइस है, बात क्लियर है। दूसरा आपका ट्रैक कंडक्टिंग बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन, क्लियर है। ट्रैक इज कॉम्बिनेशन ऑफ T R I, ठीक है, O D एंड AC, एंड AC, तो ये बनता जाके आपका क्या है, ये बन जाएगा आपका ट्राई, क्या बन जाएगा, तो इतना आपका जो देख रहा है, ट्राइड इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स, ये आपका ट्राई हो गया और ये हो गया एसी, तो ये बनता है ट्राई, ठीक है। इस तरीके का हमको क्या करना है, समझना है, ट्राई किस is track is equivalent to 2 SCR connected in empty पैरेलल, ठीक है। दो SCR को अगर हम एंटी पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा बन जाता है क्या, ट्रैक बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं वो डायरेक्टली पहले ही मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो दोनों साइकिल में काम करेगा, पॉजिटिव साइकिल में और नेगेटिव साइकिल में, दोनों तरीके से काम करेगा, क्लियर है। या इसको एक्टिव पैरेलल को इनवर्स पैरेलल कनेक्टेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनवर्स पैरेलल कनेक्टेड भी बोलते हैं, इनवर्स पैरेलल कनेक्टेड, ठीक है, ये भी बड़ा आपका याद रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इनवर्स पैरेलल कनेक्टेड, ठीक है। तो बाकी यूज आप समझ गए होंगे, पावर कंट्रोल इन एसी सर्किट, पावर को क्या करेंगे हम एसी सर्किट में कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझ गए होंगे,
कहीं कोई डाउट हो तो आप बताते जाएं, आपको चीजें क्लैरिफाई होती चली जाएगी। ठीक है, तो आगे हम लोग अब शुरुआत करते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर बात करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हाइलाइट्स थी जो कंपटीशन में पूछी गई हैं, वो हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दी। ठीक है, तो ट्रैक आपका कैसे कंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्लियर है? इसका क्या कंस्ट्रक्शन होगा, किस तरीके इसको हम बनाएंगे, ये पूरा आपका स्ट्रक्चर देखना है। चलिए इसको क्या करते हैं, यहीं पे हम लोग समझते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, काफी चीजें हैं, इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट के लिए रखेंगे पेज। आपका क्या करते हैं, एक हम क्या करते हैं, बार लेते हैं इस तरीके का, ठीक, ये हुआ। ये आपका यहाँ पर क्या करते हैं, एन की डपिंग करते हैं, यहाँ पर एन की डपिंग करते हैं, बात क्लियर है, और एन की डपिंग यहाँ करते हैं। ठीक, एन टाइम मटेरियल मतलब दिस इज योर एन वन, दिस इज योर एन टू, और दिस इज योर एन फोर। चार चीजें हमने, चार ट्रिब्यूनल, ये हमारा जो ये पी वन लेयर है, ये हमारा क्या है एन थ्री है, और ये हमारा क्या है पी टू लेयर है। ठीक है, आपका क्या है, अब हम क्या करेंगे, मेटलाइजेशन करेंगे, मतलब ये एन वाली लेयर है आपकी, ये जो लेयर आप देख रहे हो एन वाली है। ठीक है, ये एन की लेयर हमने बना दी आपका। क्या करना है आपको, मेटलाइजेशन करना है, यहां पे ये बनाएंगे, ये बनाया हमने एक टर्मिनल, एक टर्मिनल ये बनाया। आपका क्या है, ये ए वन है, ये आपका ए टू है, और ये आपका क्या है जी है, गेट है, या इसको बोलते हैं एम टी वन मेन टर्मिनल वन, या इसको बोलते हैं एम टी टू मेन टर्मिनल टू। किसी किताब में एम टी वन लिखाओ एम टी टू लिखाओ आप कंफ्यूज जाए तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका क्या है कंस्ट्रक्शन है जो आपके सामने दिया गया है, मतलब एक लेयर P1 है उसमें दो जगह N1 N2 ड्रॉप किया गया है, और एक लेयर आपका P3 है P2 है उसमें आपका N4 ड्रॉप किया गया है। तीन टर्मिनल बना देंगे, तीन टर्मिनल की डिवाइस हो गई, कितने टर्मिनल डिवाइस हो गई, थ्री टर्मिनल की डिवाइस हो गई। दोनों रिएक्शन में आपका क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, कैसे करेगा, ये सब आने वाले वक्त में आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो एम टी वन मेन टर्मिनल वन और एम टी टू मेन टर्मिनल टू। ठीक है, इस तरीके से इसका क्या है स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, और किसी को दिक्कत हो तो बोलता जाए, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो डिस्कस करते जाए, क्योंकि बार बार पढ़ने के लिए आपके पास भी टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब जरा इसको देखिए, ये किस तरीके का रोल प्ले करता है। अगर आप ध्यान से देखें मेरी तरफ से कि ये वाला हिस्सा,
ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, एक हिस्सा हमने इस तरीके से इसको बना दिया है, एक हिस्सा आपका क्या हुआ, ये बन गया है, दो हिस्से बन गए हैं। ये आपका क्या है, ये P1 है, दो जगह लिखने से कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। आप इसको यहाँ पर भी P1 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर भी P1 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर भी N3 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर भी N3 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी P2 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर भी P2 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लेयर में कहीं पर भी लिखा जा सकता है। तो आप अगर देखेंगे तो ये वाला कौन सा, अगर ऊपर से इसको बनाएंगे, N1 P1 N3 P2, ये एक SCR बन जाएगा। इधर वाला देखेंगे ऊपर से N2 P1 N3 P2, क्या है, N3 P2 और ये आपका N4, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, दो SCR बन जाएंगे। अब ध्यान से देखें, दो SCR कौन से, ये वाला बन जाएगा SCR1 और ये वाला बन जाएगा SCR2, ठीक है। देखो P से शुरू हो रहा है, ये ऐसे PN 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 ऐसे बनेगा। तो अगर आप चाहें तो ध्यान दे के बनाएं इसको, ये एक SCR बन गया, ऊपरी कोर जो इसका फेस है, ये एक SCR बन गया, और ये देखिए ये नीचे की ओर बन गया। देखिए PN PN था, ये आपका यहां से लीजिए, यहां से PN PN PN, ठीक है, इसको मत कंसीडर करिए N2 कोई तरीके से। तो ये SCR आपका 2 बन जाएगा, ठीक है। तो एक SCR आपका नीचे फेस करके और एक SCR ऊपर को, मतलब दिस इज योर पार्ट ऑफ आई थिंक SCR। तो ये आपका क्या है, SCR आपका बन जाएगा। इससे ये कनेक्शन हो गया गेट का। तो गेट जो है ये आपके कनेक्ट हो गया, ठीक है। दो SCR जो है एंटी पैरेलल कनेक्टेड हो गए। कैसे कनेक्टेड हो गए, एंटी पैरेलल। ये हमने लिया, ये गेट हो गया, दोनों कैसे कनेक्टेड, एंटी पैरेलल, और ये आपका क्या होगा, गेट, गेट टर्मिनल बन गया। बाहर निकाल दिए, अंदर बना दिए, ये सब कहानी चलती रहती है, इस पे फोकस आप मत करिए। ये दो आपके SCR हैं जो एंटी पैरेलल कनेक्टेड हैं। दिस इज MT1, दिस इज MT2, मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2। ये तुम्हारा SCR1 है, ये तुम्हारा SCR2 है, क्लियर है। SCR क्या था, SCR आप समझते हैं, SCR किसे कहते हैं, SCR क्या होता है, PN PN, इस चीज को आप बोलते हो SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। देख लीजिए, कुछ पूछने लायक हो तो पूछ भी लीजिए। ये इसका कंस्ट्रक्शन था, मतलब एक जो ट्रैक है वो दो एंटी पैरेलल कनेक्टेड SCR है। क्या है, एंटी पैरेलल कनेक्टेड SCR है, ठीक है। एंटी पैरेलल कनेक्टेड जो है तुम्हारा SCR है दो, ठीक है। इसको समझना चाहिए, एक कैसा है आपका, बाईडायरेक्शनल है, ठीक है। चलो वो तो बात की बात है, कंस्ट्रक्शन सबको समझ में आया।
सभी लोग बताएं कंस्ट्रक्शन इज क्लियर। ठीक है सभी, yes, sir. हाँ सभी समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको हम क्या करते हैं बनाते हैं। ठीक है ठीक है, और देखें कोई बात मन में और पूछ सकते हैं। देखिए एनोड कैथोड भी कर सकते हैं M1 M2 को। ठीक है अब बात आती है सैंबल की। देखो भैया सैंबल भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है सैंबल। आपका क्या है ये ऐसे दो लाइनें खींचो ऐसे, क्लियर है, ये पहले वाला ऐसे, ये ऐसे बना दो, दोनों बन गए MT1 MT2 और आपका क्या है गेट। ठीक है ये आपका हो गया गेट जी। ठीक है जी हो गया MT1 MT2 और आपका क्या होगा जी, तो ये गेट आपका हो गया। ठीक है ये ध्यान रखना जो गेट टर्मिनल निकाला जाता है वो MT1 की तरफ से निकाला जाता है। ठीक है ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए बात वही है। ठीक है कहीं वो दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे ही बना दीजिए ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है और ये आपका MT2 कर दीजिए, यहाँ MT1 कर दीजिए, ये आपका गेट हो गया। ठीक तो मतलब MT1 की तरफ ही गेट होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है तो इस तरीके से दो SCR एंटी पैरेलल कनेक्टेड होते हैं, तो दोनों एंटी पैरेलल है। देखिए ये वाला हिस्सा जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है एक SCR दिखा है, ये SCR का एरो ऊपर की ओर है, तो ये दोनों कैसे हैं एंटी पैरेलल है। कैसे है माय डियर, एंटी पैरेलल है। ठीक है तो ये साइन अगर ध्यान रहेगा तो हो सकता है सारी चीजें आपको ध्यान रहे, मतलब दो SCR को एंटी पैरेलल कनेक्टेड कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है ट्रैक बन जाता है। ठीक है देखते जाइए, कहीं कोई दिक्कत हो पूछते जाइए। ठीक है तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन हो गया, बात आती है इसकी करैक्टरिस्टिक्स की। ठीक है कोई क्वेश्चन हो तो बोल दीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आराम से चल रहा है। ठीक है अब क्या है इसकी बात आती है करैक्टरिस्टिक की, करैक्टरिस्टिक्स इसकी जो होती हैं उन पे देख लीजिए क्या है आपका। देखिए जो सिंपली हम इसको बार बार क्या कर रहे हैं, इट इज बाईडायरेक्शनल डिवाइस। क्या है बाईडायरेक्शनल डिवाइस, मतलब जो डिवाइस दोनों में काम करेगी वो आपका बाईडायरेक्शनल होगी। ठीक है ये आपका क्या है आईए एनोड करंट माइनस आईए एनोड करंट, एनोड से कैथोड के बीच में जो बढ़ती है। ठीक है इधर आपका क्या है प्लस वोल्टेज है, इधर क्या है माइनस वोल्टेज है। ठीक अब क्या होगा, ठीक है अब ये काम करेगा फॉरवर्ड में काम करेगा तो क्या भाई, अब थोड़ी सी करैक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। ये मतलब आपका क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है भाई ऐसे करंट फ्लो स्टार्ट होगी ऐसे। ठीक है अचानक ये काम करेगी ऐसे, ये SCR वाली पोजीशन आपकी ले लेगी।
ठीक है, ऐसे ये इधर आएगी और फिर आपका क्या होगा, ये एससीआर वाली पोजीशन ले लेंगे। क्लियर है? तो एक वोल्टेज तो आपका ये हो जाएगा, एक वोल्टेज ये हो जाएगा, ब्रेक ओवर वोल्टेज है, इधर भी ये क्या होगा, ब्रेक ओवर वोल्टेज होगा। ठीक है, अब ये बाइडायरेक्शनल हो गया, क्या हो गया, बाइडायरेक्शनल हो गया। ये कब काम करेगा, MT2 जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए क्या है, ये जो कब तब काम करेगा, MT1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, आपका इस तरीके से होना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा तो ये चलेगा। गेट सिग्नल तुम्हारा, गेट सिग्नल प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी आपका क्या है, गेट सिग्नल पॉजिटिव और नेगेटिव, बस MT1 पर निर्भर करेगा। ठीक है, MT1 जिसका पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो उस डायरेक्शन में काम करेगा, उसी का उसका क्या होगा, ब्रेक ओवर वोल्टेज होगा। ठीक है, ब्रेक ओवर वोल्टेज आपका क्या है, इस तरीके होगा M2 पॉजिटिव, और यहां अगर देखेंगे M2 क्या होगा, MT2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहां देखेंगे MT1 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पूरी बात आप समझ लीजिए, अब ये दिख रहा है कि दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है, क्या दिख रहा है, दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है। दिस इज VI करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैक। क्लियर है, VI करैक्टरिस्टिक है ट्रैक की। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वोल्टेज होगा उस पर काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी करैक्टरिस्टिक को क्या करते हैं, समझते हैं। पॉजिटिव वोल्टेज या नेगेटिव वोल्टेज कोई भी लगा दोगे गेट पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सबके लिए वोल्टेज फिक्स है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, तुम्हारा ट्रैक जो है आपका काम करता है। ठीक है, देखिए समझिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ठीक है, तो इससे पता चलता है तुम्हारा जो ट्रैक है वो कैसा है, बाईडायरेक्शनल डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, माय डियर, इट इज ए बाईडायरेक्शनल डिवाइस। क्या है, बाईडायरेक्शनल डिवाइस। ठीक है, तो इस तरीके से इसका काम करने का तरीका है, और यही आपका क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। थायरिस्टर फैमिली का है तो जानते ही हो, इसको बोल सकते हैं बाईडायरेक्शनल थायरिस्टर। क्या बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर। बाईडायरेक्शनल थायरिस्टर भी कह सकते हैं इसको। क्लियर है, तो इस तरीके से इसका आना भी आप लोग समझ गए, और किस तरीके से काम करता है ये भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए, तो फिर आगे काम करते हैं। ठीक है, और डिवाइस कैसी आपकी है, कितने लेयर की है, कितनी लेयर की डिवाइस है,
बताओ भाई। क्लियर? कैसी डिवाइस है? ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर की तरीके से ये काम करता है और किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसको आप बता चुके हैं आपको, तो इस तरीके से दो पैटर्न पे काम करेगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है उसको आप लिख दीजिए। क्या इंपॉर्टेंट डाटा है देखिए, ट्रैक जो है उसका वोल्टेज रेटिंग जो है 1200 वोल्ट एंड 300 एम्पीयर तक काम करता है। ठीक है, इतना एम्पीयर तक काम करेगा तो 300 एम्पीयर करंट, ठीक है, और आपका 1200 वोल्ट तक आपका क्या करेगा, क्लियर है? कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, सेंसिटिविटी ऑफ ट्रैक, सेंसिटिविटी ऑफ ट्रैक इज ग्रेटेस्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। Quadrant when turn on with positive gate current, positive gate current, and also in third quadrant when turn on with negative gate current। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी अंदर की बात है, सेंसिटिविटी के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एक पॉइंट और इसी से रिलेटेड लिख लीजिए, सेंसिटिविटी ऑफ ट्रैक इज लो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हेन टर्न ऑन विद नेगेटिव गेट करंट। And also in third quadrant and also in third quadrant when turn on with
पॉजिटिव गेट करंट। इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट आपकी हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो संस्कृति से लेकर कभी कभार क्वेश्चन आता है, उसको लेकर हमने आपको बता दिया, ठीक है। और कोई दिक्कत हो आप बताएं, ठीक है। तो ये एक पेज पे इसके सारे नोट्स प्रॉपर क्रिएट हो गए, दूसरे पे कंस्ट्रक्शन आ गया, तीसरे पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, ठीक है। क्वाड्रेंट मतलब दिस इज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, और दैट इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चतुर्थांश बोलते हैं ना, चौथा हिस्सा आपका 90 डिग्री का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में सारा डिटेल क्या कर दिया, अचीव कर लिया, और कहीं किसी के मन में कोई डाउट हो तो बताएं, ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है, बता सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम चीजों को क्या करते हैं, समझते हैं, और कहीं पर कोई मन में डाउट हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या होती है, ये ध्यान रखना, ये ऑन स्टेट है, क्लियर है। ये जो है एक तरीके से क्या है, ऑफ स्टेट है, क्या है ये, क्या है ऑन स्टेट है, ये क्या है ऑफ स्टेट है। इस तरीके के पॉइंट बना लोगे, उसी में लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे हिसाब से। बाकी ऑन होने का सर्किट चाहे तो सर्किट बना लें, बना देता हूँ मैं। ये RL है, लोड रजिस्टर, ये आपने क्या किया है, AC अप्लाई किया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रैक यूज हो जाएगा, ये ट्रैक यूज हो जाएगा, और इसको यूज करके हम लोग यहाँ गेट बना लेंगे, यहाँ इसके साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ये हमारा R और ये इसकी सप्लाई वोल्टेज, क्लियर है, सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। ये वेरिएबल R करंट को चेंज करने, ये तुम्हारा गेट हो गया MT1, दैट इज MT2, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्या है, ये वर्किंग सर्किट है, किस तरीके से वोल्टेज लगाया जाएगा और किस तरीके से इसका काम आपका होगा, ठीक, ठीक है। इस तरीके से आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग सर्किट, नॉर्मल ऑपरेटिंग आपका सर्किट, ठीक, इस तरीके से इसका बन जाएगा। एक चीज और है जो ध्यान रखनी है आपको, देखिए ये वाला SCR तो क्लियर है, ये पहला वाला है, दूसरा वाला कौन है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला है, नहीं है तो याद ना रहे तो इसको लिख लेना है यहाँ पर, ये वाला है तुम्हारा अलग, उससे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कभी भूले ना, ये N1 P1 N3 और P2 को लेकर बनेगा, ऐसे ऊपर की ओर, ठीक। और ये वाला जो बनेगा वो P1 N3
पी टू एन फोर को लेके बनेगा, ये एस सी आर टू होगा, ठीक है, ये वाला, ये जो दिख रहा है उल्टा लिख दिया हमने, सही करते हैं इसको, पी वन एन थ्री पी टू एन फोर, ठीक है, ये वाला आपका दूसरा हो गया, ठीक है, तो पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, और किस किस से लेकर बनता है, और कौन कौन सी लेयर उसमें क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एस सी आर टू का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ये ऐसे बन रहा है और ये ऐसे ऊपर ऊपर बन रहा है, नीचे से बन रहा है, ठीक, दोनों एस सी आर हो गए, दोनों की लेयर याद रखना है। ये भी आपका कैसी डिवाइस हो जाएगी, फोर लेयर डिवाइस हो जाएगी, कैसी डिवाइस हो जाएगी, फोर लेयर डिवाइस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें इसके बारे में ख़त्म होती हैं। सर ट्रैक एंड थायरिस्टर दोनों अलग अलग डिवाइस हैं? नहीं, दोनों डिवाइस एक ही हैं, ट्रैक और थायरिस्टर, थायरिस्टर फैमिली का नाम है, जैसे कोई फैमिली है उसमें अलग अलग नाम से लोग होते हैं, दीपू शर्मा, राजू शर्मा, ठीक है, ऐसा नाम है आपके, फैमिली कौन है, शर्मा फैमिली। तो थायरिस्टर जो फैमिली है उसमें बहुत सारे मेंबर हैं, उसी का मेंबर है ये आपका टैग, भाई एस सी आर भी उसी में था, थायरिस्टर फैमिली में, ठीक है। थायरिस्टर क्या होता है, थायरिस्टर की फुल फॉर्म क्या होती है, थायराट्रान प्लस ट्रांजिस्टर, थायराट्रान प्लस ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है थायरिस्टर, ठीक है। थायराट्रान, थायराट्रॉनिक डिवाइस थी, गैस ट्यूब डिवाइस थी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है थायराट्रॉन आपका, वैक्यूम, हम लोग तीन जगह इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, एक होता है वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद होता है गैस ट्यूब, उसके बाद होता है सेमी कंडक्टर। तो जो गैस ट्यूब वाले में पढ़ते हैं तो उसमें थायराट्रॉन एक डिवाइस होती है, कौन सी डिवाइस होती है, थायराट्रॉन, देख लो एक मिनट, आपने पूछा तो चलो हम उसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देते हैं। आपका क्या होता है थायराट्रॉन, दूसरा होता है ट्रांजिस्टर, तो थायरिस्टर आपका क्या है, थायरिस्टर थाय आपका ये हो गया थायरिस्टर, आप जब लिखते हो क्या लिखते हो, थायरिस्टर लिखते हो, टी एच वाई आर, टी एच वाई आर, ये हो गया, और इस्टर, इस्टर ये हो गया, ठीक है, क्लियर है, ये थायरिस्टर बन जाता है, थायराट्रॉन, ये थायराट्रॉन होता है, ये गैस ट्यूब डिवाइस होता है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ध्यान रखिएगा, ट्रांजिस्टर जानते हो, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका आपका बन गया थायरिस्टर आपका, ठीक है, मतलब जो हिस्सा आपका यूज कर रहे हैं, और ये सब पूरी फैमिली बनती है, ये टी आपका यूज किया, एच यूज किया, आर तक लिया, इथाय, और ये आपका आई से स्टार्ट होगा, इतना पार्ट लेंगे तो ये बन जाता है आपका थायरिस्टर, ठीक है, ये थायरिस्टर बनता जाके, इस फैमिली को थायरिस्टर फैमिली बोलते हैं, ठीक है, और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट अब हमने ट्रैक के बारे में सब कुछ बता दिया, अगर आप कुछ आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, बाकी हमें कोई स्पेशली ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है इस समय, इस दौरान, क्योंकि हमें कस पूरा काम करना है अपना, ठीक है। एप्लीकेशन तो समझ ही रहे हो, एप्लीकेशन में क्या क्या आ जाएगा, अगर
बात की जाएगा क्या क्या एप्लीकेशन है, यही डाल देते हैं हेडिंग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या आएगा बताइए, ठीक है एप्लीकेशन आप गिनाए कौन कौन से एप्लीकेशन एस सी आर से हो सकते हैं, एस सी आर मतलब कौन कौन से कामों में लिया जाता है, एस हाई पावर लैंप स्विच, हाई पावर लैंप स्विच, इलेक्ट्रॉनिक चेंज, इलेक्ट्रॉनिक चेंज ओवर फॉर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर टाइप्स, ठीक है ये इसके एप्लीकेशन है। और क्या है मोटर स्पीड कंट्रोल, मोटर स्पीड कंट्रोल और मिनिमाइज रेडियो इंटरफेरेंस, रेडियो इंटरफेरेंस, ठीक है और बाकी तो आपको पता है एज ए रेक्टिफायर, एज ए रेक्टिफिकेशन जो तो आप जानते ही जानते हो, ठीक है फुल वेव हाफ वेव जो भी चाहिए वो आप इसको एज रेक्टिफायर भी ले सकते हो। और एसी पावर कंट्रोल मेन उद्देश्य था और हमने लिख दिए पॉइंट्स जो एज एप्लीकेशन के रूप में आप क्या कर सकते हो ले सकते हो, ठीक है अब आप देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है फिर आगे बातचीत करते हैं, ठीक है तो एप्लीकेशन से लेके हर चीज हमने बता दी, ठीक है देखें एक बार कोई डाउट हो बताएं। अंसज, 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 रीना, ठीक है देखें सभी लोग फिर बताएं, कोई क्वेश्चन हो मन में बताइए या कोई आया हुआ क्वेश्चन हो, ठीक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो बताएं। ठीक है तो ये बात पूरी हो गई, तो ट्रैक आपका क्या होता है माय डियर कंप्लीट होता है और किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है जितनी बातें बताई ये अगर आपको याद रहेंगी तो 100% क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं आप लोग। तो ट्रैक जो है आपका क्या होता है कंप्लीट होता है, बाकी थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर पे हम लोग नहीं गए हैं उस पर कोई जानने की हमें कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है ओके। तो अब हम लोग आगे जो है स्टडी करेंगे, इसका स्टडी करेंगे, देख लीजिए किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, ठीक है कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप बोल सकते हैं, ठीक है ओके।